हेलो गाइस, स्वागत है और एक नए व्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ घर से मार्केट आ, और मार्केट में मेरा काम है, तो वो सब बाद में आप सभी को बताएंगे। तो फिलहाल मार्केट आ जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं पूरा सामान लोड कर दिया हूँ अपने स्कूटी पे, इतना ही है सामान तो। और फर्स्ट टाइम है गाइस ऐसा छोटा मोटा राइड, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है ढोला से आपका मार्केट आ। तो उस दिन जो शॉर्टकट से आया था मैं वही शॉर्टकट से जाऊँगा। और हम लोग का कॉलेज पे मारेटा कॉलेज में भी कुछ आपका फेयरवेल हो रहा है, उस दिन को मैं दोस्त का फेयरवेल में गया था लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो इसलिए आ गया। तो आज को है फेयरवेल, तो देखते हैं दिन को आपको जनरल फेयरवेल दिखाते हैं वहाँ का, मारेटा कॉलेज का, ठीक है ना गाइस। तो उसमें कोई भी जा सकता है। और फिलहाल आपको मार्केटा मिलते हैं, और अभी तक भी मैं माइक में कुछ लगाया नहीं हूँ तो इसलिए आगे का नज़ारा आपको अच्छा से दिखा नहीं पाऊँगा, तो लगाएंगे आराम से, जल्दी क्या है ना। तो ठीक है, ढोला से आगे तक का कुछ नजारा, चलिए चलते हैं। कॉलेज पर पहुंच चुके हैं गाइस, और आप सभी को यहाँ देखिए पूरा व्यू चल रहा है। फेयरवेल खत्म हो चुका है, ये मेरा फ्रेंड और एक है सुषमा, हाय बोल लो थोड़ा सब लोग। फिलहाल गाइस थोड़ा लेट हो चुका था तो कोई बात नहीं, और मैं 6th सेमेस्टर कंप्लीट तो नहीं किया लेकिन ये लोग के साथ आज कंप्लीट हो गया। मेरा कुछ रीज़न की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, हाँ तो बेस्ट विशेष दिया है मेरे को फ्यूचर के लिए, ठीक है तो आगे कंप्लीट करते हैं। गाइस इसका फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है, 750 के बाद होता है, तो कुछ काम के वजह से 793 हो ही गया, ऐसे भी 1 तारीख को बंद था। और चलिए थोड़ा इस तरफ घूम के आते हैं, और एकदम अभी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद पूरा मक्खन की तरह चल रहा है,
नई स्कूटी। और नेक्स्ट सर्विसिंग होगा आपका 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक का। और आप और ये क्या बोलते हैं, फ्री सर्विसिंग ही रहता है, मैकेनिक चार्ज देना नहीं होता, बस मोबिल का देना होता है। तो मेरा मोबिल का पड़ा 490, तो क्वालिटी देख के होता है मोबिल। आपको टाइम में सर्विसिंग कराना चाहिए, इससे आपका स्कूटी ये सब मेंटेन रहता है। और सात बार आप फ्री सर्विसिंग कर सकते हैं। चलिए गाइस, लास्ट अभी टाउन हाई स्कूल का बिहू बाकी है, मार्गरेटा टाउन हाई स्कूल में होता है। और बड़ा बड़ा सिंगर भी आता है बॉलीवुड से, तो इस बार भी सुना है, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, देखते हैं। वो 14-15 को होगा शायद, तो यहाँ आके देखते हैं। फिलहाल कुछ बिहू प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा पवनदीप राजन जब आया था 2021 को। तो गाइस, टाउन हाई स्कूल का बिहू फिर से कुछ साल बाद आगे हम दिन को भी दिखाए। आप सब कैसे हो? ऐसे नहीं चलेगा, और आप जुड़ के कहो भाई माना सर। यार फर्स्ट ऑफ ऑल गांगपुर आगत माय मूल दादा हंसो ना हंसो ना एक एक मिनट का नाम इस दिन का एक मिनट মোট দাদা কিন্তু আজ এবার দুবাই পড়া মানিছে। মানে দুবাই আসিল আর কিছু হবে আমি বই লাগবে আমার মার্কেট তো মানে আহিল একটু দাদা আপনার আপনি ইমান বিয়ে করেছে का बिहू सब भी खत्म हो गया और आप सभी को हल्का फुल्का दिखाया। और अभी मैं अपना स्कूटी दिखाना चाहता हूँ। इसे कितना 1296 किलोमीटर चला चुका हूँ और अच्छा खासा है, अभी भी कुछ दिक्कत तो नहीं दिया फिलहाल।
मैं थोड़ा चांगलांग जा रहा था बड़े दिनों बाद, और आप सभी को पता ही होगा कि मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं इतना कि मुझे झरना दिख गया गाइस। अभी झरना का पानी पियेंगे, और फर्स्ट टाइम इतना दूर स्कूटी पर राइड करके जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, झरने कर पानी, वाह कितना साल का भाई यार झरना का पानी देगा यार। 60 किलोमीटर है हम चांगलांग तरफ, थोड़ा घूर के आते हैं। और आप देख सकते हैं नंबर प्लेट भी मेरा आ चुका है, और ये मोबाइल स्टैंड लगा चुका हूँ। अभी तक हेलमेट में लगाने के लिए मैं अभी तक लिया नहीं हूँ, ऑफलाइन देख रहा था, फिलहाल अपना एरिया में नहीं मिला, ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि आगे का आपको व्यू अच्छा से दिखा सकता हूँ, नहीं तो सिर्फ हाथ से पकड़ के मतलब ना बहुत दिक्कत होता है, तो इसी वजह से। और अब देखिए यहाँ सुंदर सा एक बटरफ्लाई है छोटा सा। और गाइस यहाँ पे ना मायटा तरफ वहाँ से कहीं एक जगह है, वहाँ पे ना मतलब बहुत सारा स्पीसीज है मतलब जो बटरफ्लाई का ना, तो मैं दोस्त लोग से पता किया हूँ, एक दिन ज़रूर उस तरफ जाएंगे और देखते हैं नज़ारा वहाँ का कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही, तो चले वापस सॉरी तो चले चांगलांग चलते हैं। ये देख सकते हैं आप गाइस चांगलांग का व्यू, ये देखिए पूरा टर्निंग ही टर्निंग, और कितना खूबसूरत नज़ारा उस तरफ, जंगल ही जंगल। और देख सकते हैं गैस अभी मैं पहुंच चुका हूँ चांगलांग का व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा बढ़िया से व्यू दिखाई देता है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है टाउन, थोड़ा सामने ही है, यहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए गैस उधर चपाती भगवान सब, वाह कितना अच्छा लग रहा है। गैस हम लोग चांगलांग पहुंच चुके हैं, बस अभी वापस जा रहा हूँ मार्केटा, और फिलहाल मैं मार्केटा में ही हूँ, तो वहीं पे काम कर रहा हूँ, तो एक दिन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और कल को वो जो मैं इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ ना, तो वहाँ का जो ओनर है उनका बेटा का फर्स्ट एक साल हो गए बर्थडे के लिए, सुबह सुबह निकल रहे, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होता है। अच्छा ठीक है मिलते हैं मार्केटा का इको पार्क गए, नाइट व्यू यहाँ पे आप जादू कर सकते हैं, इधर हल्का सा वाटर, ये देखिए फाउंटेन भी है, ये देखिए मेरा बचपन का बचपन का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, देखिए गाइस बच्चा हो गया है। मार्केटा का टॉप व्यू तरफ देखिए पहाड़ गाइस, अरुणाचल का ही होगा। तो ठीक है गाइस भूल चुक माफ़ करिए, दो में याद रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।